जिस क्लासेस में आपका स्वागत है बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज छिहत्तरवां मॉक टेस्ट है इससे पहले हम लोग पचहत्तर मॉक टेस्ट को कर चुके हैं अगर आप पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जाइए और एक दिन में दो दो तीन तीन करके उन वीडियोज को कंप्लीट कीजिए देखिए पीडीएफ के लिए और साथ में क्विज के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है एक बार जरूर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए यह वीडियो रोज सुबह साढ़े बजे हंड्रेड मिल जाता है है तो मिल जाता है अगर नहीं मिल रहा है साढ़े सात में तो पाँच दस मिनट लेट आके देखिए कि सात चालीस तक आके देखिए कि है कि नहीं और टेलीग्राम में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं इन्फॉर्मेशन वहां पे दे देता हूं। साथ में एक चीज़ और जो लोग बोल रहे हैं कि सत्ताईस सितंबर को दरोगा होगा या बिहार एस होगा तो सत्ताईस सितंबर को नहीं होने जा रहा है अक्टूबर में अक्टूबर में अगर एग्ज़ाम पॉसिबल है तो है नहीं तो अक्टूबर नवंबर इलेक्शन होना रिजल्ट होना है दिसंबर या जनवरी में फिर प्रस्तावित होगा चलिए जो इससे पहले हम लोग पचहत्तर मॉक टेस्ट किए हैं ना उसमें शुरू का एक से बीस यानी मॉक टेस्ट एक से लेकर बीस तक यूनिक पब्लिकेशन का है इक्कीस से सैंतीस तक प्लेटफॉर्म यानी रुक्मनी का है अड़तीस से इक्यावन तक स्पार्क का है बावन से अड़सठ तक किरण का है और इसी बावन से अड़सठ के बीच में हम लोग प्रीवियस ईयर भी किए हैं प्रीवियस ईयर का अलग ही थंबनेल आपको दिखेगा साथ में उनहत्तर से लेकर अठासी तक अभी जो चल रहा है संदर्भ पब्लिकेशन का चल रहा है चलिए आज का पहला प्रश्न है हाल ही में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है एक बात और मैं आपको इतना समय देता हूं ना ताकि आप सोच सकते हैं अगर थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लिया कीजिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली अगला प्रश्न है आठ अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता डीए में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की मंजूरी दी है देखिए ये करंट अफेयर्स पुराना आपको इसलिए ताकि ये मैं पब्लिकेशन करा रहा हूँ मैं कोई अपना प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहा हूँ तो इसीलिए ये पब्लिकेशन में जो है मैं वही आपको पुट किया हूं और 2019 का ही करंट अफेयर्स आएगा ये बिल्कुल आप लोग मान के चलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी पाँच प्रतिशत जो जनवरी 2020 में बढ़ा है ना जनवरी 2020 का जो डीए बढ़ा है वो आपको चार परसेंट बढ़ा है ये आपको 2019 का पूछ रहा है 2019 अक्टूबर में बढ़ा है मतलब जुलाई में डीए दो बार बढ़ता है जनवरी में एक जुलाई में अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है अच्छा डीए का मतलब डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता देखिए राष्ट्रपति शासन अधिकतम तीन वर्ष तक लगाया जा सकता है एक, एक एक वर्ष करके अगला प्रश्न है कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी कलकता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी बोले तो पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था अगला प्रश्न है चौदह अक्टूबर दो को कौन भारत की पहली नेत्रहीन महिला आई बनी है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रांजल पाटिल अगला प्रश्न है केतला और रोहू दृष्टांत है देखिए ये दोनों मछली का एक प्रकार है और ये किस प्रकार का मछली है ये आपसे पूछा जा रहा है होगा ऑप्शन ए फ्रेश वाटर फिश है ये दोनों केतला और फ्रेश वाटर फिश है और इस दोनों को याद रखिए एग्जाम में बहुत आता है अगला प्रश्न है शब्द क्यों का संबंध किस खेल से है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विलियार्ड्स अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास 2019 शुरू हुआ है बताइए यह ये इस युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण है इसका आंसर होगा ऑप्शन है पंद्रह अगला प्रश्न है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा नगर सबसे बड़ा है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टोकियो अगला प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे भंग कर सकते हैं ऑप्शन सी है अगला है अगला प्रश्न राजाओं की राजधानी कहां थी, कहा थी? कांचीपुरम ऑप्शन सी हो जाएगा अगला प्रश्न है हाल ही में पीएम मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2019 अभियान का शुभारंभ किया है जिसका विषय है तो स्वच्छता ही सेवा 2019 अभियान का जो विषय है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होता है देखिए विकसित या विकासशील देश की बात करें तो वहां पर बहुत सारे पैमाने मिलते हैं देखने को लेकिन जैसे बढ़ती जनसंख्या उच्च बेरोजगारी बढ़ती गरीबी ये सब पैमाने आपको देखने के लिए मिलेंगे लेकिन बढ़ता आतंकवाद ना ही विकसित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है ना ही विकासशील अर्थव्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था आंसर होगा ऑप्शन बी जॉर्ज बुलर कहीं कहीं आपको विलियम जॉन्स भी देखने को मिलेगा विलियम जॉन्स देखने को मिलेगा तो जॉर्ज बुलर नहीं जॉर्ज बुलर रहेगा तो विलियम जॉन्स नहीं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक और तमिलनाडु अगला प्रश्न है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अगला प्रश्न है कि किसे इकतीसवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट अगला प्रश्न है खेलों में शब्द स्मैश किससे नहीं जुड़ा है देखिए समय शब्द जो है ये आपको हॉकी से नहीं जुड़ा है बाद वॉलीबॉल लॉन टेनिस बैडमिंटन इन तीनों से एसोसिएटेड है अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा यान बना है इसका आंसर होगा ऑप्शन वी वाइजर टू अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 2019-21 देखिए इक्कीस पे यहां कार्यकाल के लिए एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज यानी एडब्ल्यूवी की अध्यक्षता ग्रहण की है बात करें वर्ड देखिए एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की ए की तो सुनील अरोड़ा को चुना गया है अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित किया जाता है होगा ऑप्शन सी मधुबनी अगला प्रश्न है रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है बात की जाए रबड़ की खेती के लिए तो आवश्यक तापमान आपका 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और रबड़ सबसे ज्यादा कहां तो केरला में गरम मसाले भी केरला में अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर आप उनके पोस्ट हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा संसद में एक महाभियोग लगाना पड़ेगा और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के दो बाई तीन बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर आपको एक चीज याद रखना है प्रमाणित कदाचार जब वो कदाचार किए हों तभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा अगला प्रश्न है आर की विशुद्ध जानकारी किस वेद में मिलती है बात करें आयुर्वे की विशुद्ध जानकारी की तो ऋग्वेद में उनका प्रमाण मिलता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको ब्रेड को मुलायम करने में प्रयोग किया जाता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सम्मान है बात करें भारत की सर्वोच्च समान की तो भारत रत्न ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था चलिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऑप्शन डी करेक्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न अवार्ड मिल चुका था अगला प्रश्न है पीली क्रांति संबंधित है किसके उत्पादन में से पीली क्रांति किससे है तो तिलहन से बात करें मत्स्य तो ब्लू क्रांति खाद्यान्न से तो हरित क्रांति दुग्ध से तो श्वेत क्रांति यहां पे वर्गीस कुरियन आएंगे यहां पे आपको एक स्वामीनाथन आएंगे इंडिया के लिए और नॉर्मन वार्लो वर्ल्ड के लिए अगला प्रश्न है विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर डे हर वर्ष मनाया जाता है इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए पांच अक्टूबर को अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है सार्क का सदस्य नहीं है कौन म्यांमार अगला प्रश्न है तीस दिसंबर तीस सितंबर दो हजार उन्नीस को जारी नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है ऑप्शन सी केरल को शीर्ष स्थान मिला है अगला प्रश्न है गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया गुप्त काल में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था अगला प्रश्न है भारत में थोक मूल सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं आंसर होगा ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है बिहार में सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो किशनगंज जिला है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो अरावली है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है देखिए आर्किड भारत के ठंडे और घाटी क्षेत्रों में उगाई जाती है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है बात की जाए गायत्री मंत्र की तो सर्वप्रथम उल्लेख में मिलता है अगला प्रश्न है हाल ही में चिकित्सा क्षेत्र में तीन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है जिनमें कौन शामिल नहीं है देखिए विलियम जी कुल जूनियर इनको भी मिला है ग्रेग्स मिंजा और पीटर रेडक्लिप इन तीनों को मिला है इसमें ऑप्शन जो आपको सी दिख रहा है पीटर एलेक्स इनको नहीं मिला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है ग्राम कचहरी के संबंध में कौन से तथ्य सही है बात करें ग्राम कचहरी की तो प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम कचहरी होगा ये बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन बी क्या है सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा ये भी सही है सरपंच ग्राम कचहरी के यानी बोले तो जो पंचायत होता है उसके अध्यक्ष होते हैं ये सही है तीसरा ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उससे विघटित ना कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीख से पाँच वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी ये भी सही है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहां से प्राप्त नहीं हुए थे देखिए लोथल भोगवा नदी पे है ए भी है कालीबंगा घगर नदी पे है ए भी है रोपड़ गुजरात में है ए भी है नागार्जुन कोड़ा ये नहीं है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है आर्यों का निवास स्थान कहां था आर्यो का निवास स्थान कहां था तो कैस्पियन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था शिवाजी को छत्रपति का ताज सोलह में पहनाया गया था अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है बात करें विश्व की सबसे बड़ी देश का तो कौन सा है रूस है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है चलिए अगर आप पी पढ़ेंगे ना तो इसमें इसका कुछ और मिलेगा ऑप्शन वहां पे कुछ और ही दे रखा है पता नहीं कैसे दे रखा है आप लोग भी देखिएगा देखिए किसके संरक्षण से तो पृथ्वी को ओजोन के संरक्षण से संबंधित है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है तो महाराष्ट्र ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के समय में खेतों की घाटी यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था यह किसके लेखों द्वारा ज्ञात हुआ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन के समय में कौन से विद्वान रहा करते विद्वान बोले तो या कौन से विदेशी यात्री रहा करते थे तो उस समय ह्वेनसांग रहा करते थे तो उन्हीं के लिखे हुए चीजों से मिलेगा अगला प्रश्न है मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था पहली बार मनुष्य 1969 यानी उन्नीस में चंद्रमा पर उतरा था देखिए अगर आपको स्पेस में पूछ दिया जाए तो नाइनटीन तो हो जाएगा अगला प्रश्न है किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे पूना समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष तो 1932 में हुआ था अगला प्रश्न है हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है देखिए हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह यूरेनस है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है यदि शत्रु विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है तो दूसरा 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 यहां पे मैं ठीक कर दे, दे रहा दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन है दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन है एमू अगला प्रश्न है आसू गैस है आंसू गैस क्या होता है अमोनिया होता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है माइक्रोस्कोप क्यों प्रयुक्त किया जाता है तो सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है दूध का दही में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा होता है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा जीवाणुओं के द्वारा होता है अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं तो वन बाई टू एम बी स्क्वायर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बात होती है स्थिति ऊर्जा की तो यहां पे mgh आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में इससे व्यक्त करते हैं अगला प्रश्न है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल निर्धारण करने में किया जाता है विमान पोत इन सब का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है चलिए अगर बात करें यहां पे तांबा की तो तांबा मिश्र धातु नहीं है अगला प्रश्न है और ऑप्शन में जो तीन दिख रहे थे तीनों एलोय है अगला प्रश्न है दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रश्न है एक समतल समतल हो गया समतल होगा एक, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण डिग्री का कोण कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा समतल दर्पण के केस में क्या होता है कौन आई बराबर क्या होता है कौन आर होता है तो क्या हो जाएगा ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है चलिए पहला ऑप्शन है क्लोरीन दूसरा है आयोडीन तीसरा ब्रोमीन चौथा है फ्लोरीन तो समान ताप पर अगर ठोस अवस्था की बात करें तो आयोडीन रहता है अगला प्रश्न है जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा तब निकलने वाली हवा क्या होगी वो ठंडी हो जाएगी अगला प्रश्न है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की बिलियता शक्कर की बिलियता क्या होता है बढ़ती है अगला प्रश्न है किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है एस्ट्रोजन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सोलर चरखा मिशन आरंभ किया गया है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय अगला प्रश्न है किसी तत्व के प्रमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए अगला प्रश्न है निम्न में से किस पदार्थ को लगा, लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फेरिक क्लोराइड। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन डेटिंग का डैश ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज जीवाश्मों का आयु यहां पे एक चीज और मिसिंग है आयु आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है ऐसे सेट में ही ऐसे उल्टा पुल्टा दिया हुआ है अगला प्रश्न है भोजन का पाचन निम्न में से निम्न में से अंग से प्रारंभ होती है निम्न में से डैश डैश अंग से प्रारंभ की उम्र होती है चलिए मैं फिर से पढ़ता हूं भोजन का पाचन निम्न में से डैश अंग से प्रारंभ होता है किससे मुंह से प्रारंभ होता है सबसे पहले मुख से ही प्रारंभ होता है अगला प्रश्न है पीतल किसकी मिश्र धातु है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा और जास्ता का अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण पतियों का रंग हरा होता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्णहरित अगला प्रश्न है संवेग डैश का एक माप है किसका? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी गति की मात्रा का अगला प्रश्न है पार्श्व किसकी मापन इकाई है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खगोलीय दूरी की अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने वाला बल को कहते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थिर वैद्युत बल अगला प्रश्न है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम एम अगला प्रश्न है कोयला टेस्ट प्रक्रिया से बनता है कोयला किस प्रक्रिया से तो कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है चलिए स्टडी मॉक टेस्ट का जो आंसर था सोखता पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण आउस, में क्या शामिल है आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर एक या दो लोगों का आंसर इनकरेक्ट था ठीक है इसका करेक्ट आंसर होगा केपलरी कार्रवाई घटना के द्वारा चलिए आज का जो क्वेश्चन ऑफ़ द डे है निम्न में से किसे एक हाइड्रोजन गुब्बारा सरलता से उठा सकता है इसके आंसर को क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि आ, क्या सही आंसर है दूसरा आप कितना इस पचहत्तर में कितना कर रहे हैं ना उसको भी जरूर आप लोग बताया कीजिए फुल पी मैं टेलीग्राम में दे रहा हूँ वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं चलिए फिलहाल के लिए यहीं पर ब्रेक लेते हैं मिलते हैं शाम के वीडियो में टाटा और बाय